सोनी आभूषण केंद्र, हमारे यहाँ शुद्ध गारंटी युक्त सोने और चांदी के आभूषण तैयार मिलते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्डर करने पर आप अपनी पसंद से जेवरात बनवा भी सकते हैं। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचें सोनी आभूषण केंद्र, हलियापुर रोड, पारा चौराहा, सुल्तानपुर। आपके अपने शहर सुल्तानपुर बल्दीराय तहसील में फैंसी साड़ियाँ, सूट और शर्टिंग जैसे बेहतरीन कपड़े उचित दाम पर मिल रहे हैं। तो देर किस बात की, तुरंत ही पहुँचें शुभम साड़ी सूट कलेक्शन, हलियापुर रोड, पारा चौराहा, सुल्तानपुर। नमस्कार, मैं हूँ किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर में तिकोनिया पार्क में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। यहां सपा नेता गुलाब जायसवाल ने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। अमेठी में जैस कोतवाली क्षेत्र के चमड़ा मिल के पास शिवलिंग जैसा आकार मिलने से पूरे गांव में चर्चा का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस और राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर शिवलिंग के आकार को मंदिर के पास रखवा दिया है। अमेठी में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस दौरान सभी कर्मियों ने शहीद हुए कर्मियों को याद करके श्रद्धांजलि दी। अमेठी में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास मानकों को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में डीएम ने स्वास्थ्य और पोषण सहित सभी बिंदुओं पर जानकारी ली। अमेठी में डीएम ने सर्पदंश से हुई मृत्यु की दशा में बनाए गए नियम के बारे में बताया। डीएम ने कहा कि ऐसे मामले में मृतक का पोस्टमार्टम जरूरी है, जिससे उसे शासन द्वारा तय सहायता राशि दी जा सके। अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारियां लगभग समापन की ओर हैं। यहां सुंदर झांकियां भी तैयार की जा रही हैं। अयोध्या में सांसद लल्लू सिंह भी दीपोत्सव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, अयोध्या नगरी को 15,000 राम नामी पताका से सजाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। अयोध्या में छठे दीपोत्सव को भव्यता से मनाने के लिए राम की पैड़ी को खूबसूरत लाइट्स से सजाया गया है। यहां पूरे अयोध्या में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। अयोध्या में बीजेपी की वरिष्ठ सांसद रीता बहुगुणा जोशी और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर सरोज मिश्रा देवकाली पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बाराबंकी में शहीद स्मारक पर पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। यहां एसपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बहराइच में एसपी पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस लाइन पहुंचे। यहां एसपी ने शहीद होने वाले कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। बहराइच के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। आपको बता दें, सुल्तानपुर में अंतर महाविद्यालय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। गोंडा में डीएम ने सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान संबंधित सभी अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के लोग मौजूद रहे। आपको ये खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।